से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हमारे यूट्यूब चैनल में किसी पेंतेकोस्तल वाला ने टिप्पणी लिखा हुआ है कि कैथोलिक के लोग ईसा मसीह को क्रूस पर टांग करके रखा है और मृत मसीह से प्रार्थना करता है। आज भी कैथोलिक लोगों के चर्च के अंदर ईसा मसीह को क्रूस पर टांग करके रखा है। तो इस प्रकार कई टिप्पणियां हमारे ही चैनल के कई क्लासों में लोग कर रहा है, तो मेरे विचार में उसको जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि ये सिनडल वर्ष है। हम लोगों का काम है इस प्रकार के अज्ञानी लोगों को सही शिक्षा दें। सिनडल वर्ष में अन्य ऐसे जो गुटों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो गलत शिक्षाएं उन्हें मिल रहा है, उनको सही शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम इस चैनल के अंदर बार बार ऐसे टिप्पणियों का जवाब भी देते जा रहे हैं। सही शिक्षा बाइबल के अनुसार क्या है उसको सिखाते जा रहे हैं। सबसे पहली बात है उनका वो जो डाउट, आज भी ईसा मसीह को क्रूस पर टांगा है, वो जीवित है, आज भी कैथोलिक लोग क्रूस पर टांग कर रखा है, ये बताना। अब मैं एक सवाल आपसे ही कर देता हूं। यदि आप बड़े हैं, बच्चों का माँ या पिता है, मेरा एक सवाल यही है, क्या आपका बच्चे का जब जन्म लिया तब से लेकर के आपके बच्चों का फोटो आप रखा है कि नहीं? आप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं उस समय पर फोटो खींचते हैं, क्या उसको रखते हैं? मेरे बच्चे, मेरे तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों का एक तो जन्म लिया उसी समय का फोटो से लेकर के अब तो बड़े हैं, शादीशुदा भी हैं, अब तक का फोटो है। जब जन्म लिया था वो छोटा बच्चा, अभी भी फोटो रखा है, क्या ये पूछना बुद्धिमानी है? अभी भी वो बच्चे को आपने छोटा बना कर रखा है। हमारा बच्चा जब फर्स्ट बार पैदल चला या गाड़ी चला रहा है, अनेकों ऐसा यादगारी फोटोस हम लोगों के पास है। हमारे प्रिय बच्चों का उन फोटो को कभी कभी हम एल्बम खोल करके देखते हैं, पहले कैसे था, अब कैसे हैं, वो जो पुरानी चीजें देख करके हमें खुशी हो जाता है, आनंद मिलता है। इसी प्रकार संसार को मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह संसार में आए, वो रोटियों का चमत्कार दिखाते हुए या अंधों के आंखें खोलते हुए या रोगियों को चंगा करते या मृतकों को जिला करके किसी को स्वर्ग में नहीं भेजा है। ईसा मसीह स्वर्ग, हमें स्वर्ग देने के लिए उन्होंने एक कार्य किया, वो मुक्ति कार्य, वो कार्य है क्रूस, रास्ता का कार्य।
उसमें सबसे महत्वपूर्ण समय है ईसा मसीह अपने को क्रूस पर डालते हुए, क्रूस पर अपना आखिरी बूंद रक्त भी बहाकर, अपना प्राण अर्पित कर संसार को पाप से, शैतान से मुक्ति दिया और उस क्रूस के द्वारा मानव जाति को ईश्वर के साथ, पिता के साथ मेल करवाया, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। रोमियों का पत्र दिया है 3:25 यही लिखा है, ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह इस प्रकार क्रूस पर अपना रक्त बहाकर अपने शरीर में सहन पीड़ा सहते हुए हम मानव जाति का पापों का प्रायश्चित करें और हम आज ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य में विश्वास करते हुए हम उस मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो वो क्रूस में प्रभु का वो महाबली संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। अनेकों भगवान लोग इस संसार में आए, अनेकों ऐसे ज्ञानी लोग आए, लेकिन सब लोग केवल शिक्षा दिया, सिखाया, मुक्ति का मार्ग बता कर के दिया, लेकिन किसी ने मुक्ति नहीं दिया। मुक्ति देने वाला ईसा मसीह अपने उस क्रूस मृत्यु के द्वारा ही ये संभव किया। शैतान नहीं चाहते हैं, शैतान नहीं चाहता था ईसा मसीह क्रूस पर मरे और मानव जाति का पापों का प्रायश्चित कर अपना जीवन अर्पित कर हमें जीवन दे। हमारा रूप पाप के कारण विरूपित था, कलंकित था। हमें उस प्रभु का स्वर्गीय चेहरा देने के लिए ईसा मसीह ने अपना रूप को विरूपित किया। हमें दंड मिलना चाहिए था, लेकिन उन पूरे दंड प्रभु ने अपने शरीर पर उठाया और क्रूस पर या वहां पर आखिरी बूंद रक्त बहा करके रक्त की कीमत पर हम लोगों को खरीदा गया। वो रक्त हमें शुद्ध करता है, वो रक्त हमें स्वर्ग देता है। उस घटना को याद करने के लिए कैथोलिक चर्च के अंदर क्रूसिफिक्स अर्थात ईसा मसीह का क्रूसित रूप रखते हैं और उसको हम एक बहुत बड़ा आदर सम्मान के रूप में रखते हैं। उसके सामने हम लोग हाथ जोड़ते हैं, हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं। उस समय पर हम उस घटना को याद करते हैं, प्रभु ईसा मसीह ने हमारे लिए कितना सहन किया। इस क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें जो स्वर्ग राज्य प्रदान किया, इसको हम स्मरण करते हैं और धन्यवाद हृदय से प्रभु की आराधना करते हैं। और संसार के जितने भी लोग हैं, अन्य जाति का भी लोग क्यों ना हो, वो उस क्रूसित प्रभु को देखकर उस प्रभु के प्रति उनके मन में एक आदर सम्मान आता है। केवल पेंटेकोस्टल लोगों को इसमें प्रॉब्लम है। प्रोटेस्टेंट अनेकों कलीसियाओं में इस प्रकार का रूप रखते हैं। मैंने क्रूस के विषय में बोल करके दिया था, क्रूस का चिन्ह लगाना, वो बहुत बड़ा एक प्रार्थना है। क्रूस का चिन्ह बहुत बड़ा एक प्रार्थना। जैसे आज मैं यूट्यूब के द्वारा आपको बाइबल सिखा रहा है, बाइबल के विषय में, प्रभु के विषय में सिखा रहा है। एक क्रूसित रूप कहीं भी रख दीजिए, वो अपने आप क्रूसित रूप एक बहुत बड़ा प्रचार कर रहा है। कोई वहां बोल नहीं रहा है, लेकिन उसको तरफ देखने वालों को बहुत बड़ा एक संदेश उसके द्वारा मिलता है। शैतान नहीं चाहते हैं कहीं क्रूस गाड़ कर रखो, क्रूसित प्रभु को रखो। कौन नहीं चाहता? शैतान नहीं चाहते हैं, क्योंकि शैतान ये नहीं चाहते हैं बोलने के लिए ईसा मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा संसार को मुक्ति दिया। अभी शैतान बोलेगा, देखो वो उनका ईसा मसीह मर गया था, अभी भी मरा पड़ा है, मरा हुआ ईसा मसीह की आराधना कर रहा है। लेकिन हम लोग केवल उस घटना को घोषित करता है, उस क्रूसित प्रभु की हम आराधना करते हैं। कैथोलिक के लोगों को मालूम है वो क्या कर रहा है, और इवन शैतान को भी मालूम है, इसीलिए शैतान इसके विरुद्ध में बोल रहा है।
क्योंकि वो अपने आप में एक क्रूस कहीं पर गाड़ कर रखना या एक क्रूस कहीं रखा हुआ है, वो अपने आप में एक सुसमाचार है। इसके द्वारा तुम्हारा मुक्ति हुआ, इस व्यक्ति के द्वारा ही तुम्हारा मुक्ति होगा, अनंत जीवन होगा, इसका घोषणा करता है ये क्रूसिफिक्स, क्रूसित रूप। इसी प्रकार है, चाहे किसी संत का हो, चाहे किसी अन्य घटना का हो, इस मसीह के जीवन का ही क्यों ना हो, अनेकों फोटोस मिलेगा, अनेकों मूर्तियां मिलेगा, ये सब अपने आप घोषित कर रहा है, एक घोषणा करने का एक तरीका है। हाँ, वो अपने आप में एक संदेश है, एक सुसमाचार का प्रचार है। तो उसके खिलाफ बोलना मेरे विचार में ये शैतान का हरकत है। कोई भी उस मूर्ति का पूजा नहीं कर रहा है, बल्कि पूजा कर रहा है वो मूर्ति जिसका है उसका पूजा करता है। कोई भी उसके सामने यदि हाथ जोड़ता है, मोमबत्ती जलाता है, उस मूर्ति के लिए नहीं जलाता, ना ही हाथ जोड़ता, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसके लिए मोमबत्ती जलाता है और हाथ जोड़ता है। उसको गलत तरीके से मत बोलिए। एक क्लास उसके ऊपर भी मैं लेने वाला हूं, तो आज मैं केवल इतना ही बोल करके देना चाह रहा था। चाहे एक क्रूसित रूप रख रहा है, चाहे संतों का स्टैचू रख रहा है, अपने आप में वो एक सुसमाचार का प्रचार है। और ईसा मसीह जो मरे हुए मसीह का नहीं, हम लोग आज जीवित प्रभु है उसकी आराधना करते हैं। इसी वजह से कैथोलिक चर्च के अंदर मिस्सा बलिदान होता है, वो मिस्सा बलिदान जीवित प्रभु को ही ग्रहण करते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के अनुसार ईसा मसीह ने कहा, जो मुझे खाता है उसे जीवन मिलेगा। हम लोग ईसा मसीह को मिस्सा बलिदान में परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तो हम लोग मरे हुए प्रभु को नहीं, बल्कि पुनर्जीवित महिमा में रूप में जो रोटी में उपस्थित उस प्रभु की आराधना करता है। इसलिए गलत लोगों को मत सिखाइए, जो सत्य से जो कमजोर लोगों को भटका करके लेके जाने का विचार छोड़े, ये सब शैतानी हरकतें हैं। मेरे विचार में आप लोगों को समझ में आया, जिस प्रकार हम उस यादगारी को बनाए रखना, इस मसीह ने स्वयं कहा, मेरे पुनः आगमन तक इस यादगारी को बनाए रखना। बनाए रखने का एक तरीका ये मूर्ति भी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के उस महान बलि के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे चर्च के अंदर चाहे प्रभु क्रूसित प्रभु का हो या उनका दुख भोग का जो 14 स्थान का हम लोग बनाते हैं, चाहे संतों का, किसी के जीवन के द्वारा भी मसीह का उस मुक्ति कार्य का घोषणा हुआ, उनके उन मूर्तियों के द्वारा हम वही घोषणा करते हैं, जी प्रभु के लिए जी करके मरने वाले ये संत, या ईसा मसीह के जीवन में हम लोगों के लिए क्या क्या किया है उसका घटना दिखाने वाला मूर्तियां या फोटोस, अपने आप में एक सुसमाचार है। हम उस फोटोस का, उन मूर्तियों का आदर करेंगे, क्योंकि वो जिसका है उनका आदर है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।